अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जैनुल सिद्दीकी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको एक घोड़े की ये सीनरी, सात घोड़े वाली ये सीनरी ये बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, ये बनाकर दिखाऊंगा। और हाईलाइटर की मैंने जैसे आप पिछली वीडियो में बता दिया आपको कि मेरी अगली अगली वीडियो हाईलाइटर की आएंगी, तो तीन चार वीडियो मेरी है हाईलाइटर के बारे में आएंगी, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हाईलाइटर चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी हाईलाइटर मैं आपके पास अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो करें शेयर अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर ये हाइलाइटर बनाना सीख जाए। तो ये गिलास का गाइस, ये गिलास का पाउडर है, इसे अच्छी तरीके साफ कर लेंगे गिलास को। पांच एम का गिलास लिया है हमने, और 5 mm गिलास लेने के बाद आपको बनाकर दिखाऊंगा सीनरी। गिलास साफ हो गया। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर कोई सा भी हाईलाइटर आपको किसी को फोटो बनाना हो या किसी का भी, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मतलब पीडीएफ फाइल आपको किसी भी स्टूडियो के पास, स्टूडियो में जाकर, फोटो स्टूडियो में आप बनाकर मुझे पीडीएफ फाइल भेजेंगे, मैं आपको सेम टू सेम बनाकर भेज दूंगा। जैसी फाइल भेजेंगे वही आपको पास पहुँच जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये जो मैं बना रहा हूँ इस तरीके चाहिए हो, अपने पास क्या क्या चीज़ मिलती है मैं बता देता हूँ आपको। टेबल टॉप के डिज़ाइन मिलते हैं अपने पास, और मिरर के डिज़ाइन मिलते हैं, सीनरी मिलती है, बोर्ड्स मतलब भगवानों के सब फोटो मिलते हैं अपने पास, और अलग अलग तरह के जो भी आप बनवाना चाहें डिजिटल में सब अवेलेबल है। मगर डिज़ाइन का करता है, जो हमारे पास डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई डिज़ाइन अपना अलग डिज़ाइन बनवाना हो तो आप वो डिज़ाइन, आपको पीडीएफ फाइल क्लियर एचडी होनी चाहिए, जैसा आप फोटो भेजेंगे वैसे ही हम आपके पास बनाकर भेज देंगे, ठीक है। तो वीडियो आखिर तक देखें, आपको किस तरीके की लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो वीडियो कर देते हैं, चलो अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। कर देंगे ये यूवी ग्लू है, यूवी ग्लू जो हमारा बीबीसी कंपनी का यूवी ग्लू आता है, अगर यूवी ग्लू भी चाहिए ये भी अपने पास अवेलेबल है। ये यूवी ग्लू लगा दिया है हमने, और इसे हाइलाइटर को इस तरीके से यहां से चिपका देंगे। बाल खा के देख लेंगे, ना हो गया। गाइस इसमें चिपकाने का क्या है, इस गिलास को जैसे देखिए ये, तो इसमें बबल्स आते हैं, ये बबल्स छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, बस इसके अंदर यूवी ग्लू में जो बबल्स निकालने हैं, बस इसी बबल्स को निकालने की इसमें हाईलाइटर चिपकाने में कारीगरी है। जहाँ पर बबल्स रह जाएगा वो आपको सीखने के मतलब सूखने के बाद धूप में सुखाना पड़ता है इसको। और ये हमारी लाइट है 24 इंच की आती है, और एक 18 इंच की आती है, अगर एक 12 इंच की आती है, तो हमें 24 इंच की या 18 इंच की लाइट लेनी है। 12 इंच की नहीं लेनी, 12 इंच की पावर नहीं होती है, वो सूख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये लाइट ले लेना आप, अगर लाइट भी चाहिए आपको तो संपर्क कर सकते हैं। तो हल्का सा इस पर यूवी मार देंगे, ये बबल्स निकालने का, बस बबल्स निकालना है इसका, इसका जो वेस्टेज है वो निकाल देंगे। और गाइस अब ये इसके अंदर है बबल्स, ये बबल्स इसके अच्छी तरीके से बबल्स निकालने हैं, बस यूवी को सब में बराबर करना है। और गाइस एक बात का ध्यान रखना है, हमें इसमें जब बबल्स निकालेंगे इसके, तो ज्यादा फोर्स नहीं करनी है, अगर ज्यादा फोर्स करोगे तो यूवी ग्लू बाहर आ जाएगी और ये हाईलाइटर वहां से सूखने के बाद फट जाएगा, वो आपको ज्यादा ध्यान रखना है।
गाइज अपने गिलास के सब बबल्स निकल चुके हैं और इसमें एक बार चेक कर लेंगे। ये ध्यान रखना धूप में, अगर आप लाइट से दिखाते हैं तो एक बार को थोड़ा थोड़ा दिख जाएंगे, अगर आप धूप में चिपकाएंगे सनलाइट में बाहर ले जाकर तो आपको पूरे बबल्स इसके चेक करने हैं। बबल्स नहीं चेक करेंगे तो धूप में जाने के बाद एकदम सेट हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, पूरा इसका एक एक बबल्स चेक कर लेने हैं, क्योंकि अगर बबल्स आएगा फिर वो निकलेगा नहीं। ठीक है, ये अगर लाइट हो आपके पास तो ये जिस साइड से प्रिंट दिखा उस साइड से ही ये लाइट दिखानी है। ठीक है, लाइट दिखा देंगे इसे पूरे को। जैसे ये लाइट है तो कम से कम एक या डेढ़ मिनट रखना है, फिर दूसरी साइड रखना है, इस तरीके से हमें पूरे में लाइट दिखानी है। अगर आप लाइट दिखाने का इस तरीके से लाइट दिखाएंगे ऐसे करके तो पूरी लाइट सही नहीं दिखेगी, तो इस तरीके से लाइट रखेंगे और लाइट थोड़ा थोड़ा दिखाना है। ऐसे नहीं है कि ये लाइट रख दी यहाँ पे हमने और फिर यहाँ रख दी इस ये जगह छूट गई। ये गाइस ये ध्यान रखना इस लाइट से जिस तरीके से ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना। और कपड़ा इस पे यूवी ग्लू होता है उस पे कपड़ा मार देना है, क्योंकि यूवी ग्लू सेट होने का भी खतरा रहता है, कभी लाइट वाइट पर सेट हो जाए तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे हम पूरे ग्लास को लाइट दिखा देते हैं। तो गाइस ये देखिए ये हमारा हाइलाइटर पूरा चिपक चुका है, ये देखिए। किस तरीके का लग रहा है आपको ये हाइलाइटर हमारा, किस तरीके का लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये अगर हाइलाइटर चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको ये हाइलाइटर अवेलेबल करा दूंगा। और इसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर है यूवी ग्लू, इसको बीबीसी यूवी ग्लू 102 नंबर की यूवी ग्लू। तो इससे इसका यूवी ग्लू का और हाइलाइटर का ये काम है। ठीक है, और इससे पहले वीडियो आपने देखी, दो बच्चों के हमारे मेरे बच्चे की वीडियो देखी मैंने, फोटो फ्रेम बनाए थे, फोटो किस तरीके के फोटो बनाने हैं अगर आपको बनवाने हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये घोड़े की अगर घोड़ा बनवाना हो तो अगली वीडियो मक्का मदीना की आएगी, मक्का मदीना किस तरीके से हमें कैसा लगेगा बनकर, वो वीडियो देखने का इंतजार करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के, वीडियो को शुरू में और आखिर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको ये डिज़ाइन भेजूंगा, आप सिलेक्ट करके मुझे भेजें, मैं आपको वो डिज़ाइन टू डिज़ाइन आपके पास कोरियर द्वारा पहुँचा दूंगा। ठीक है, और गाइस ये ध्यान रखना पार्सल मतलब हाइलाइटर की क्वांटिटी 100 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, मतलब मिनिमम 100 स्क्वायर फीट हाइलाइटर होना चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।